प्रिय करण जौहर जी, कल आपका एक इमोशनल मैसेज देखा। आपका मैसेज देखकर आंखों में आंसू आ गए, गम के मारे नहीं, हंसी के मारे। इसलिए क्योंकि ये समझ में नहीं आया कि जो आदमी आज से 3 हफ्ते पहले ये बोल रहा था कि पाकिस्तान के आर्टिस्ट को वापस भेजना नहीं चाहिए और आर्ट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, आज सडनली उसको देश से इतना प्यार क्या हो गया? 3 हफ्तों के अंदर में ऐसा क्या बदल गया? इतना देश के लिए प्यार की उमड़ के आ गया करण जौहर को कि करण जौहर को प्लेज करना पड़ा कि आज के बाद मैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करूंगा, मेरी बस ये मूवी रिलीज होने दो। क्या ये भारत माता के लिए प्यार है? क्या ये देश के लिए प्यार है? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं वो मैं बताता हूँ। अगर आपका ये संदेश, जो थिएटर एसोसिएशन है, जो सिंगल थिएटर एसोसिएशन है जिन्होंने ये साफ बोल दिया कि हम करण जौहर की मूवी रिलीज़ नहीं करेंगे और हम हर वो मूवी रिलीज़ नहीं करेंगे जिसके अंदर में कोई भी पाकिस्तानी एक्टर है, उससे पहले आता तो शायद हमें लगता कि करण जौहर को वाकई देश से प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये मैसेज आया सिर्फ और सिर्फ अपनी मूवी के नुकसान को देखते हुए। क्या था आपका मैसेज जब उरी हमला हुआ था? कुछ मैसेज नहीं था। तुम्हें अपनी मूवी क्रू के 300 लोगों की परवाह है, इस देश के 125 करोड़ लोगों की परवाह नहीं है, इस देश की आर्मी की परवाह नहीं है जो दिन रात अपना लहू बहा के हम जैसे और तुम जैसे लोगों की हिफाजत करती है। उस टाइम तुम्हें आर्ट, प्यार, ये सब दिखता है। और जब तुम्हारी मूवी पर बैन हुआ, तुमने ये देखा कि मेरी मूवी फाइनली बैन हो रही है और सिंगल थिएटर एसोसिएशन इस मूवी को नहीं लगाएगी, वो लॉसेस तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, इसलिए यू आर प्लेइंग जस्ट अनदर ब्लफ, नथिंग एल्स। ये संदेश देकर आपने अपने आप को थोड़ा सा और गिरा लिया है, हम लोगों की नज़रों में उठाया नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक टू लिटल टू लेट एंड दैट टू इन सम प्रेशर एंड दैट प्रेशर वी अंडरस्टैंड। तो आप ये मत सोचो कि हम लोग आपकी मूवीज़ देखने आएंगे। वैसे भी आपको बहुत बढ़िया मूवीज़ तो बनाते नहीं हो, लेकिन इस मूवी को देखने हम आएंगे नहीं, चाहे बैन हो या ना हो। कोई देश व्यस्त से तुम्हें प्यार नहीं है। देश से प्यार होता तो तुम क्या करते? देश से प्यार होता तो तुम प्लेज करते कि मैं अपनी मूवी के, अपनी हर आने वाली मूवी का 10% आर्मी फंड में डालूंगा, मैं अपनी मूवी का इतना परसेंट सोसाइटी को वापस दूंगा, ये प्लेज करते। वो प्लेज तुमने नहीं किया और अब करना भी मत, क्योंकि अब हमें लगा कि हमारे कहने पर तुमने ये प्लेज किया है। तो हमारा ये संदेश है आपको वापस कि हमें आपके थिएटर एक समझ में आ गए हैं कि देश वेश के लिए कोई प्यार नहीं उमड़ा है आप में। आप पाकिस्तानी जितने मर्जी आर्टिस्ट को लेके मूवी बनाइए, हम आपकी मूवी नहीं देखने आ रहे। जय हिंद।